नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। छत्तीसगढ़ में घोटालों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के 15 साल के शासन के दौरान घोटालों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ईडी केंद्र सरकार के कहने पर काम कर रही है, एक दूसरे दोनों पर भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगा रहे हैं। ये तेरा भ्रष्टाचार, ये मेरा भ्रष्टाचार, ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत जोरों पर चल रही है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप मढ़ रही है। अब किसका भ्रष्टाचार सच्चा और किसका झूठा, ये तो जांच होने के बाद ही पता पड़ पाएगा। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ईडी द्वारा लगातार की जा रही छापेमारी को लेकर कांग्रेस और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप का दौर जमकर चल रहा है। एक ओर भाजपा कांग्रेस पर महादेव सट्टा ऐप में आरोपियों को संरक्षण देकर अवैध कमाई करने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महादेव सट्टा ऐप में देश भर में छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा सबसे पहले कार्रवाई का जिक्र करते हुए कह रहे कि अगर हम ऐसे सट्टे से जुड़े होते तो ये कार्रवाई यहाँ से शुरू नहीं होती। मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले सरकार को बदनाम करने की नियत से भाजपा द्वारा ईडी और आईटी प्रदेश भर में छापेमारी कार्रवाई जारी है, पर इन छापों से ना तो आईटी को कुछ मिला और ना ही ईडी को। वही सत्ता पक्ष की कांग्रेस सरकार अब इस पूरे मामले में विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी को उनके 15 साल के कार्यकाल में हुए घोटालों के मामले में घेरने की तैयारी कर रही है। छत्तीसगढ़ में कोई ऑफिस नहीं है, जो खिलाने वाले हैं वो जरूर यहाँ के हैं। और 30 मार्च 2022 को पहला FIR दुर्ग में किया गया, फिर रायपुर, बिलासपुर, सभी जगह, और करीब 72 प्रकरण दर्ज छत्तीसगढ़ की पुलिस के द्वारा, और उसमें 449 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और गिरफ्तार किए गए हैं उसमें वो दिल्ली में, बॉम्बे में, गोवा में, अनेक अलग अलग प्रांतों में उसकी गिरफ्तारियां हुई है। और अभी तक के 191 लैपटॉप, 885 मोबाइल और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त किए गए हैं। ये मालूम हुआ कि सट्टे में भी मुख्यमंत्री निवास का मुख्यमंत्री ऑफिस जुट के तार जुड़े हुए हैं, और ये तार जुड़े हैं। ईडी ने इस बात को साबित भी कर दिया है कि उनके तार कहाँ से कहाँ तक जुड़े हैं। मोटी रकम मंथली इनको दिया जाता था, और ये पूरे प्रमाण और साक्ष्य के साथ ईडी इनके घरों पे गए हैं और प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। बयान जो दर्ज किए जा रहे हैं उस बयान में भी सारी बातें आ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये साबित हो गया कि स्किल अपग्रेडेशन के नाम से जुआ और सट्टा और महादेव ऐप के नाम से प्रशिक्षण के लिए दुबई और हांगकांग जो भेजा जाता था, यही कौशल उन्नयन मुख्यमंत्री जी करा रहे थे। छापों का असर किस पार्टी पर कैसा पड़ता है, ये सियासी छापा है या नहीं, ये तो जांच में पता पड़ेगा। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि किसके भ्रष्टाचार सच्चे हैं और किसके झूठे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। सावन के अंतिम सोमवार को भव्य कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान शंकर की झांकी के साथ कावड़ यात्रा निकाली गई, जो हसरो नदी से जल भरकर सिद्ध बाबा मंदिर में समाप्त हुई। कावड़ यात्रा में बड़ी संख्या में लोग कावड़ लेकर निकले, इसको देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, जब भगवान शंकर के गानों पर, भजनों पर भक्त जमकर थिरकते हुए नजर आए। ये कावड़ यात्रा आमाखेरवा से निकलकर PWD तिराहा के भगत सिंह तिराहा होते हुए सिद्ध बाबा मंदिर के लिए निकली। वहीं कावड़ यात्रा का लोगों ने जमकर स्वागत किया। बम बम भोले के जयकारों से पूरा माहौल गूंजमान हो गया।
बलौदाबाजार नगर सोमवार को पूरा भक्ति में हो गया। भक्त महाकाल की पूजा करते हुए शनि मंदिर में 1.25 लाख शिवलिंग की सोमवार को विधिवत पूजा अर्चना की गई। वहीं श्रद्धालुओं ने सोनपुरी में नगर के सबसे पुराने शिवजी के मंदिर पर गंगा जल चढ़ाया। दुर्ग में शिवनाथ नदी के पुल से एक आदमी ने कूदकर आत्महत्या कर ली, जिसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे, लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से उसे बचा नहीं पाए। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और शव को तलाश कर रही है। तो आप तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये दुर्ग की हम दिखा रहे हैं। नदी में कूद कर युवक ने आत्महत्या कर ली। अभी तक एसडीआरएफ को शव नहीं मिला है, पूरा प्रयास किया जा रहा है। आवाज सुनकर लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार बलरामपुर आगमन पर डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं प्रेम साय सिंह टेकाम ने इस दौरान प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बने सड़कों के मरम्मत या नवनिर्माण के लिए 35 सड़कों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। आपको बता दें, समय पहले डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम को मंत्रिमंडल में शामिल करते हुए शिक्षा मंत्री का पद दिया गया था, लेकिन पार्टी आला कमान के निर्देशों के बाद उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद इसी कारण से क्षेत्र की जनता में निराशा झलकने लगी थी। वहीं मुख्यमंत्री के पास सुरक्षित रहने वाले पद राज्य योजना आयोग को नियम में संशोधन कर डॉक्टर प्रेम साय को फिर पद दिया गया और उनके पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार नगर आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया। ये आज तक इतिहास में योजना आयोग के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी पदेन होते हैं और केंद्र में प्रधानमंत्री पदेन होते हैं, लेकिन ये सबसे हटके विशेष प्रावधान करके किसी मुख्यमंत्री के अलावा मुख्यमंत्री ने अपना पद मुझे दिया है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आज हम लोगों ने यहाँ पर 35 काम जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत उनके जीर्णोद्धार की शिलान्यास रखी यहाँ पर, और उसका लगभग 21 करोड़ की लागत से जो काम होगा, और उसकी आवश्यकता भी थी, बहुत लोगों से बहुत दिन से मांग भी आ रही थी। बलौदाबाजार क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 कार से 82 पेटी अंग्रेजी शराब को जब्त किया है, जिसकी कीमत 4.5 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार 4 तस्कर 2 लग्जरी कार में तेजी से भाग रहे थे और पुलिस ने नाकेबंदी कर दोनों कारों को पकड़ा बड़ी मुश्किल से, और उनके पास से बड़ी मात्रा में अवैध शराब को जब्त कर लिया है। आरोपी के खिलाफ धारा 34(2) के तहत 36 और 59 आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। कोरबा के कटघोरा स्थित जवाली बस्ती में दुर्लभ वन प्राणी पाया गया है। पेंगोलिन यहां कहां से आया, इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी। लोगों ने जानवर को पकड़कर पिंजरे में कैद कर लिया, फिर वन विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे वन अमले ने पेंगोलिन को कब्जे में लिया और फिर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला जैव विविधताओं वाला क्षेत्र है। यहाँ के जंगलों में कई तरह के दुर्लभ वन प्राणी मौजूद हैं, जो समय समय पर रिहायशी इलाकों में पहुंच जाते हैं। ऐसा ही कुछ कटघोरा के जवाली क्षेत्र में हुआ, जहां दुर्लभ वन प्राणी पेंगुइन पहुंच गया और पेंगुइन को देखने के लोग आश्चर्यचकित हो गए।
जगदलपुर जिले के बोधघाट थाना क्षेत्र में कृष्णा पेट्रोल पंप के पास एक ऑयल दुकान में अज्ञात व्यक्तियों को चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद आरोपियों को पुलिस ने हवाले कर दिया गया। वहीं पुलिस पूछताछ के दौरान ने स्वीकार किया कि शहर में दो चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले हैं और उसको कबूला। फिलहाल एक अन्य फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। पंकजपुर के कापसी बाजार में नक्सलियों ने पूर्व विधायक भोजराज नाग के नाम खुलेआम बेखौफ बैनर पोस्टर लगाया, जिसमें कई मुद्दों को उजागर किया गया। उन्होंने सभी को अपना धर्म मानने की आजादी और सभी धर्म के लोगों को अपना कब्रिस्तान बनाने का अधिकार ही बता दिया। आपको बता दें, बाजार में ऐसे पर्चे से खौफ का माहौल है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं अगली खबरों का। भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर भिलाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कार्यालय का घेराव किया। बीजेपी ने नगर निगम का कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अगली खबर दुर्ग से है, जहां विधानसभा चुनाव के चलते जिले से जितने भी एसआई का तबादला दूसरे जिलों में हुआ था उन्हें रिलीव कर दिया गया है। आपको बता दें, एसपी दुर्ग शलभ कुमार सिन्हा ने आदेश जारी करते हुए एक साथ 16 एसआई को रिलीव किया है। साथ ही दुर्ग एसपी के द्वारा जारी आदेश के मुताबिक पुलिस मुख्यालय रायपुर के आदेश पर जिले से अलग अलग रैंक के पुलिस अधिकारियों और कर्मियों का तबादला दूसरे जिलों में किया गया था। चुनाव आयोग ने 2 जून 2023 को इस संबंध में निर्देश जारी किया था। इस दौरान एसपी ने 28 अगस्त को आदेश जारी कर दुर्ग के अलग अलग थानों में पदस्थ 16 एसआई रैंक के अधिकारियों को रिलीव कर दिया गया है। अगली खबर दुर्ग से है, जहां जिले में पहली बार महाकाल की पालकी सवारी निकाली गई। आपको बता दें, इस दौरान भक्तगण शामिल हुए। साथ ही पालकी सवारी को पूरे दुर्ग जिले में निकाली गई। इस दौरान बड़े से नंदी बैल पर भोले बाबा बैठे नजर आए और उनके पीछे बड़ी संख्या में श्रद्धालु झूमते हुए नजर आए हैं। कोरबा में भारी वाहनों के कारण से सड़क दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। रोजाना होने वाले हादसों में बेकसूर लोगों की जानें जा रही हैं। शनिवार की सुबह भी दीपका थाना क्षेत्र में ऐसा ही हुआ, जहां कोयला लेकर बलौदा की तरफ जा रही एक ट्रक दीपका हरदी बाजार बाईपास रोड पर खड़ी ट्रेलर से जा भिड़ गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि ट्रक का केबिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे चालक की मौके पर मौत हो गई। मृतक का नाम सुखसागर कश्यप बताया जा रहा है, जो ग्राम कसिया डीही का रहने वाला था। वहीं हादसे के बाद मौके पर लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में लोगों ने चक्का जाम कर दिया, जिससे मार्गों पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। लोगों की मांग है कि मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा और न्याय मिले। कोरबा के सिटी कोतवाली में फर्जी तरीके से शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर संचालन करने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई है। शिकायत के मिली आवेदन के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी।
बताया जा रहा है कि मनिकापुर क्षेत्र में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान का आवंटन राकेश तापी के नाम पर किया गया, लेकिन अमित अग्रवाल नाम के शख्स ने खाद्य विभाग और नान गोदाम के अधिकारी और कर्मचारियों से साठ गांठ का खुद के नाम पर आईडी और पासवर्ड जनरेट कर फर्जी तरीके से सोसाइटी का संचालन कर रहा है। अगला मामला भिलाई का है। आपको बता दें क्षेत्र में स्थित एसबीआई के दो एटीएम पर चोरों ने डाका डाला। एटीएम का शटर बंद करके पैसों से भरा रैक उखाड़ कर ले गए। चोर इतने शातिर थे कि सीसीटीवी फुटेज ना मिले इसके लिए एटीएम में आग लगा दी और एटीएम का सिक्योरिटी सिस्टम फेल हो गया। वहीं जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस वहां पर पहुंची और आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी है ताकि कोई सुराग मिल सके। भिलाई में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामलों को लेकर अब सख्ती बढ़ती जा रही है। इसके रोकथाम के लिए नगर निगम ने अब कड़ा रुख अपना लिया है। जिन घरों में डेंगू के लार्वे मिले हैं उन पर जुर्माना लगाया जा रहा है। जी हां, अब समझाने का दौर खत्म करके जुर्माना लागू किया जा रहा है। आपको बता दें अब तक कुल 120 मामले मिल चुके हैं, वहीं 20 मरीजों का इलाज जारी है। अगली खबर जगदलपुर से है, जहां पुलिस ने अवैध शराब परिवहन करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है और अंजाम दिया। कुदालगांव गांव में एक संदिग्ध व्यक्ति अपने एक्टिवा से निकला। पुलिस ने उसे वाहन रोकने को कहा, उसने वाहन रोकने की जगह और तेज कर दी, जिसको पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के पास से 3 कार्टून में अंग्रेजी शराब के 150 पौआ बरामद किए गए, जिसकी कीमत 19,500 रुपए बताई जा रही है। अगली खबर भिलाई से है, जहां डेंगू का कहर जारी है। आपको बता दें शहर में डेंगू के 7 नए मरीज और अब तक 120 केस मिल चुके हैं। वहीं जिला प्रशासन और बीएसपी की तमाम कोशिशों के बावजूद मरीजों की संख्या बढ़ रही है। भिलाई के रिसाली सेक्टर में आज सुबह सुबह एक हादसा हो गया, जहां एक कार पलट गई। जानकारी के अनुसार कार में 2 लोग सवार थे और दोनों ही नशे में थे। दोनों सवार घायल हो गए और आपको बता दें तेज रफ्तार की वजह से हादसा हुआ है। वहीं दुर्घटना के बाद उपस्थित लोगों ने एम्बुलेंस बुलाकर दोनों को अस्पताल भेज दिया है। नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ़ में सफाई कर्मचारियों ने मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर एक रैली को निकाला। यह रैली मुख्य नगर पालिका अधिकारी इसहाक खान के नेतृत्व में निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में सफाई कर्मी शामिल हुए और लोगों ने शत प्रतिशत मतदान के लिए अपील की। आपको बता दें जागरूकता रैली शहर के सभी मुख्य मार्गों से होकर गुजरी है।
भिलाई नगर थाने में एक महिला ने तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी, जिसका शव सेक्टर 7 के तालाब में मिला है, जिससे इलाके में सनसनी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि महिला अपने पति के साथ होने वाले विवाद के चलते दुखी थी और इसलिए ऐसा कदम उठाया। वहीं मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। छत्तीसगढ़ संविदा बिजली कर्मचारी संघ ने अपने अल्टीमेटम की सीमा पूरी होने के बाद बिजली घरों सहित अन्य क्षेत्रों में प्रदर्शन किया। दरअसल प्रदर्शनकारी अपनी नियमितीकरण सहित 4 मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने सरकार पर उदासीनता का आरोप भी लगाया। संगठन का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों को लेकर उदासीन बनी हुई है। लंबा समय मिलने के बाद भी लंबित मांगों की दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए उनके सामने प्रदर्शन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह गया है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण के लिए अधिक से अधिक मतदान होना बेहद जरूरी है। बावजूद इसके आज भी ऐसे कई लोग हैं जो चुनाव में अपना वोट नहीं डालते हैं। ऐसे ही लोगों को उनके मताधिकार के प्रति जागरूक करने और निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीप प्लान के तहत कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी को लेकर शहर में एक जागरूकता रैली निकाली गई। NCC NSS स्काउट गाइड के दल ने TP नगर चौक से पावर हाउस रोड होते हुए पवन टॉकीज रेलवे क्रॉसिंग तक जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान कैडेटों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर लोगों से अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील की है। गौरतलब है कि 3 महीने बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में अधिक से अधिक मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा लगातार कोशिशें की जा रही हैं। और फिलहाल मेरो छत्तीसगढ़ में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।